दोस्तों अभी मोहम्मद शमी, जडेजा और अश्विन को बेहतरीन टेस्ट खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों दूसरे मुकाबले में मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा और अश्विन ने कुछ ऐसे ही करिश्माई गेंदबाजी कर डाली कि असले के बल्लेबाज देखते ही रह गए और संघर्ष करते हुए नजर आए। वो एक ही दिन में असले के बल्लेबाज 230 रन बनाकर ऑल आउट हो गया। अगर कैसे भारतीय गेंदबाजों ने एक एक करके असले बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाते गए, आपको कम्प्लीट हाईलाइट दिखाने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे जो अब तक किसी भी भारतीय गेंदबाजों ने नहीं बनाया था असले के खिलाफ। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको क्या लगता है, असले का ये दूसरा मैच कौन जीतेगा? नीचे कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। दोस्तों इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों के टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला दिल्ली में खेला जा रहा है, जहां पहला मुकाबला टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से अपने नाम कर लिया था। दिन की शुरुआत में डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बाद भारतीय स्पिनर हावी हो गए। रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा ने कमाल की गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। अभी तक मैच में अश्विन ने 3 विकेट, मोहम्मद शमी ने 4 विकेट और रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिया है। उस्मान ख्वाजा का विकेट लेने के साथ ही जडेजा ने अपने टेस्ट करियर में 250 विकेट पूरा कर लिया है। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच हमेशा स्पिनर्स की मददगार रही है। इस पिच पर साल 2013 में भी ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ 7 विकेट हासिल किए थे और बल्ले से 43 रन भी बनाए थे। जडेजा की गेंदों को खेलना इतना आसान नहीं है, वो कातिलाना गेंदबाजी और धाकड़ बैटिंग में माहिर प्लेयर हैं। उन्होंने टीम इंडिया के लिए अभी तक 61 टेस्ट मैचों में 2593 रन बनाए हैं और जिसमें से 3 शतक भी शामिल है। बात करें दूसरे मैच की तो ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर ने 50 रन पहले विकेट के लिए जोड़े थे। इसके बाद वार्नर को शमी ने 15 के स्कोर पर चलता कर दिया। इसके बाद आए दुनिया के नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज मार्शल आबूसन, जिन्होंने 18 रन बनाए और 91 का स्कोर तक पहुंचा दिया। फिर रविचंद्र अश्विन ने जो उसके साथ किया, आगे नंबर 1 का बल्लेबाज लावसन और उसके बाद नंबर 2 का बल्लेबाज स्मिथ स्मिथ को फंसा गया और पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 91 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ 1 विकेट गिरा था, लेकिन अश्विन ने अपने फिरकी से एक ऐसा जादू दिखाया कि कंगारू टीम को डबल नुकसान हो गया। यह नुकसान ऐसा था कि टॉप 2 पर दुनिया के नंबर 1 और 2 बल्लेबाज चकमा खा गए। अश्विन ने 3 गेंदों के अंदर दोनों को पवेलियन भेज दिया। इसमें लावसन जहां 18 रन बनाए तो वही स्टार खिलाड़ी से स्मिथ अपना खाता भी नहीं खोल सके और दूसरी गेंद पर विकेट कीपर केशव भरत के आगे कैच थमा दिया। इसके साथ ही पीटर हेंडरसन ने शानदार बल्लेबाजी की और 142 गेंदों में 9 चौके की मदद से 72 रन ठोक डाले और अपने स्कोर को 263 तक पहुंचा दिया। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस ने 59 गेंदों में 2 छक्के और 3 चौके की मदद से 33 रन ही बना पाए। जवाब में भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा और केएल राहुल ने पहले दिन 21 रनों की साझेदारी करी और इस खेल को समाप्त कर दिया। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, ये मैच किसके नाम रहेगा, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया? नीचे कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे मैच को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।